पूर्वी दिल्ली नगर निगम में शिक्षा समिति के अध्यक्ष रोमेश चंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष कुसुम तोमर की अगुवाई में एक बैठक रखी गई, जिसमें उपस्थित रहे उदय कौशिक, अलका आर शर्मा, अपर आयुक्त शिक्षा। बैठक में कई अहम मुद्दे रखे गए, जिसमें कि एक मुद्दा चौराहे पर भीख मांग रहे बच्चों को लेकर रहा। चौराहे पर बच्चों जो भीख मांगते हैं, जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, तो उनका हमारा डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग सर्वे करे, सर्वे कर कर बताए कि कितने बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, और उनको पास के स्कूल से जोड़ा जाए, उसमें उनका दाखिला कराया जाए। लेकिन अभी शिक्षा विभाग ने पूरी तरीके से उस पर अपना काम नहीं किया है, जिसके लिए आज ये निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षा विभाग इस पर जब भी काम करने जाए तो वहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद को साथ में लें, जिससे कि क्षेत्रीय निगम पार्षद की उसमें भागीदारी हो कि कितने बच्चों का दाखिला स्कूलों में कराना है, और स्कूलों में दाखिला उन बच्चों का निश्चित रूप से करवाया जाए। और साथ ही उदय कौशिक ने भी संस्कृत स्कूलों में पढ़ाई जाए, इसको लेकर अपने विचार रखे। संभवतः अधिकारियों को एक गलतफहमी हो रही है कि हम संस्कृत का कोई लिटरेचर पढ़ाना चाहते हैं। वस्तुतः हम संस्कृत का प्राथमिक विद्यालयों में वो सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं जो एक प्राथमिक कायदा होता है, जो एक पहली दूसरी में अल्फाबेटिकली पढ़ाया जाता है। और उसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि संस्कृत में बच्चे अच्छी डिस्टिंक्शन, अच्छे नंबर, अच्छे कैरियर बना लेते हैं, लेकिन जब उनसे सिक्स में पूछा जाता है कि संस्कृत लोगे क्या, तो उसे संस्कृत का पता ही नहीं होता। सिक्स की बात कर रहे हैं, सिक्स से पहले उसे संस्कृत के बारे में अल्फाबेटिकली तो बता देना चाहते हैं हम। और अल्फाबेटिकली पढ़ाने में जब स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जा रही है, तो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? उर्दू पढ़ रही है। अब उर्दू वाली जो फाइल चली थी वो किस हिसाब से चली थी, उसका कैसे आधार बन गया? और इनको अभी यही नहीं पता, देश के इन अधिकारियों को, कि संस्कृत कोई तीसरी भाषा नहीं है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत हमारी भाषा का मूल है।